हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप सब बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, बात करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के चार्ट पर, देखेंगे नेक्स्ट वीक में किस तरह का मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। लास्ट वीक में हमारा क्या एनालिसिस था वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी में आप देखोगे तो हमने लास्ट कैंडल पर ये एनालिसिस किया था कि मार्केट ये वाले कैंडल का हाई निकालेगा तो हमें अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलेगा। फर्स्ट टारगेट हमारा 18,000 रहेगा। ठीक है, सेकेंड टारगेट हम प्लान करेंगे 120-150 के लगभग। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे इसमें आपको हाई देखने को मिला है 18,171 का, मीन्स लास्ट वीक में हमारे निफ्टी के जो है टारगेट हिट हुए हैं। ठीक है, अभी हम देखेंगे तो नेक्स्ट वीक में हमें किस तरह का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ठीक है, निफ्टी में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस एरिया देखने को मिलेगा जो आप यहाँ से प्लान कर सकते हो 350 के लगभग। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया रहने वाला है क्योंकि इसके ऊपर आप देखोगे यहाँ पे यही रेंज आपका ऑल टाइम हाई भी रहने वाला है। अगर आप देखोगे तो लगभग 350 से लेके लगभग 600 तक। ठीक है, ये 250 पॉइंट का जो एरिया है ये काफ़ी एक ट्रैपिंग एरिया माना जा सकता है। ठीक है, जैसे हमने लास्ट टाइम बैंक निफ्टी में भी डिस्कस किया था कि ये एरिया जो हमारा था 42,000 का, ये काफ़ी रिस्की एरिया रहेगा जहाँ से हमें ट्रैप देखने को मिल सकता है। क्योंकि मार्केट जब भी फर्स्ट टाइम ऑल टाइम हाई के पास जाएगा, यहाँ पर आप देखोगे तो ये वाले लेवल अभी तक रिटेस्ट नहीं हुए हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया, यहाँ से हमें डिप देखने को मिलेगा। बट अब इंपॉर्टेंट एरिया जो हमारा सपोर्ट एरिया रहने वाला है, ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट एरिया हमें देखने को मिल सकता है। मान के चल सकते हो 18,000 के अब ऊपर रहने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बन गए। यहाँ पे आप देखोगे मार्केट फर्स्ट टाइम रिजेक्शन लिया, सेकंड टाइम रिजेक्शन लिया, अब थर्ड टाइम फिर से उसी एरिया के लगभग कंसोलिडेट कर रहे हैं। ठीक है, ये एरिया देखोगे आप तो काफ़ी अच्छे से एक रेंज बनाया मार्केट ने। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये एरिया काफ़ी अच्छे से रेंज बनाया, क्योंकि मार्केट अभी तक आप देखोगे तो जो अपर लेवल है ये वाला लेवल देखो तो मार्केट होल्ड नहीं कर पाया, कंटिन्यू फॉल हुआ। ठीक है, ये लेवल पे पहुंचा मार्केट, होल्ड नहीं कर पाया, यहाँ फॉल हुआ। ठीक है, यहाँ से फर्स्ट टाइम रिजेक्शन लिया था मार्केट ने, यहाँ फॉल हुआ, तीन बार यहाँ से मार्केट फॉल हो चुका है। अभी आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट उतना बड़ा फॉल नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे फॉल हुआ, रिवर्स कर गया, फिर से फॉल हुआ, रिवर्स कर गया। इसलिए मैं काफ़ी टाइम से आपको कह रहा हूँ कि मार्केट का स्ट्रक्चर थोड़ा सा बदल चुका है। अब हम इसको एक बुलिश व्यू में देखेंगे कि हाँ, एक अच्छा अपसाइड ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, उसके बाद हमें बड़े टारगेट भी इसमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीक में क्या रह सकता है, अगर ये वीक का हाई निकलता है और मार्केट लगभग 18,350 के लगभग आता है। ठीक है, ये हाई के लगभग आता है और वहाँ पे हमें एक बड़े टाइम फ्रेम में एम पैटर्न हो जाए, या अपना मान के चल सकते हो जो लोग हेड एंड शोल्डर को फॉलो करते हैं वो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन जाए, यहाँ पर ट्रिपल टॉप बन जाए, मीन्स यहाँ पर एक बड़े टाइम फ्रेम में, बड़ा टाइम फ्रेम आ गया आपका 30 मिनट, एक घंटे का टाइम फ्रेम। इस टाइम फ्रेम में अगर आपको कोई पैटर्न बनता हुआ दिखेगा तो वहाँ से आपको एक रिवर्सल साइन देखने को मिल सकता है जो दोबारा से आपको यहाँ पे ला सकता है 18,000 के लगभग। ठीक है, अगर ये हाई निकलता है, पहले हाई निकलता है फिर 350 तक हम बच जाते हैं, 350-400 रीटेस्ट करते हैं, तो वो लेवल से आपको इस तरह का पैटर्न बनता हुआ दिखता है, तब से आप फिर से यहाँ से एक फॉल प्लान करोगे जो 18,000 तक मान के चलोगे। ठीक है, ये लेवल आप मान के चल सकते हो जो लेवल रहने वाला है आपका 17,950 से लेके 18,000 के लगभग, ये आपका काफ़ी अच्छा सपोर्ट एरिया माना जा सकता है। ठीक है, यहाँ से रिजेक्शन लिया, फिर से यहाँ पे मार्केट आएगा, अगर उसके बाद हाई ब्रेक करता है तो फिर आप ये टारगेट प्लान करोगे 18,600 जो आपका ऑल टाइम हाई रहने वाला। ठीक है, अगर ये हाई निकलता है, पहले आपका ये प्लानिंग रहना चाहिए हाई निकला मैं लॉन्ग ट्रेड प्लान करूँगा, बट क्वान्टिटी थोड़ी सी कम कर लूँगा क्योंकि 350 के लगभग या 370 के रेंज में आपको जाके कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। अगर आपको 350 के लगभग प्रॉफिट दिख रहा है, अच्छा खासा प्रॉफिट आपका बन चुका है, तो आप ये करोगे कि आप 70% क्वांटिटी यहाँ पे बुक कर लोगे। ठीक है, यहाँ से अगर फॉल आता है 18,000 फिर से मार्केट आएगा, उसके बाद अगर हाई ब्रेक करता है तो फिर हम प्लान करेंगे 18,600 का टारगेट। ठीक है, फॉल अगर मैं यहाँ से प्लान करूँगा तो मुझे लग नहीं रहा कि अभी ये एरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया रहने वाला है। मैं ज़्यादा अग्रेसिव शॉट इसके नीचे 18,000 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन कर जाता है, नीचे रखता है मार्केट, तभी मैं एक अग्रेसिव शॉर्ट प्लान करूंगा जिसमें टारगेट मेरे काफ़ी बड़े हो जाएंगे। अगर 18,000 ब्रेक होता है तो मुझे लगता है 17,300 तक मार्केट काफ़ी तेज़ी से आएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया था 18,000 के ऊपर, मार्केट क्लोज कर चुका है। अगर मार्केट ये लेवल के नीचे निकलता है तो मीन्स यहाँ पे जो भी लोग बाय करके लेके गए हैं वो अपना एक पोजिशन को स्केयर ऑफ करेंगे, उसके बाद मार्केट काफ़ी तेज़ी से आपका आ सकता है 17,500 के लगभग मान के चलो। ये एरिया आपको लगभग 500 पॉइंट का फॉल काफ़ी तेज़ देखने को मिलेगा, बट जिसके चांसेस अभी काफ़ी कम लग रहे हैं। ठीक है, अगर अपसाइड निकलता है तो 400-350 के टारगेट प्लान करेंगे, अगर रेंज में रहता है तो आपको पता लग जाएगा अगर कुछ बड़ा कैंडल मॉर्निंग में बन रहा है उसके बीच में मार्केट घूम रहा है तो मीन्स मार्केट होल्ड कर रहा है, यहाँ पर एक्युमुलेट हो रहा है मार्केट। ठीक है, ये जोन आपको या तो एक्युमुलेशन जोन रहेगा या तो आपका जो एरिया रहेगा
इसमें आप मान के चल सकते हो कि डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, बट मार्केट का अभी तक का स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको सिर्फ एक्युमुलेशन ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि मार्केट काफ़ी अच्छे से एक अपर लेवल पे, क्योंकि एक रेजिस्टेंस एरिया के लगभग जाके मार्केट काफ़ी अच्छे से होल्ड कर रहा है, ठीक है। इसलिए आप मार्केट को स्ट्रांग मान के चल रहे हैं। फिर भी अगर 18,000 ब्रेक होगा तो हमें ये पता लग जाएगा कि मार्केट थोड़ा सा तेज मूव कर सकता है यहाँ से नीचे, ठीक है। बाकी छोटे टाइम फ्रेम में चल के देखते हैं निफ्टी का स्ट्रक्चर, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम में आप देखोगे सेम इस तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये एक रेजिस्टेंस एरिया था उसके ऊपर ही निफ्टी अभी काम कर रहा है। हो सकता है आने वाले टाइम में आपको लगभग 18,350 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आप देखोगे, जैसे आज का हमारा एनालिसिस था, अगर मार्केट ये लेवल निकालेगा तो हमें यहाँ तक के टारगेट देखने को मिलेंगे, ठीक है। आप देखोगे ये लेवल निकालते ही मार्केट ने यहाँ तक के टारगेट दिए, यहाँ मॉर्निंग में आपको ये लेवल के लगभग हमें ओपनिंग देखने को मिला, फिर से आपको यहाँ पे एक फर्स्ट टाइम देखोगे, यहाँ सेकंड टाइम देखोगे, सेम आपको लेवल्स देखने को मिले, ठीक है। अभी आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में आपको अगर 15 मिनट के चार्ट पे एनालिसिस देखना है तो किस तरह का आपका मोमेंटम रहना चाहिए, ठीक है। ये लेवल आपका एक सपोर्ट एरिया की तरफ वर्क करेगा, अगर मार्केट ये लेवल के लगभग ही ओपन फ्लैट होता है, यहाँ पे आता है, यहाँ पे कंसोलिडेट करके फिर से अपसाइड के लिए नया टारगेट आप प्लान कर सकते हो 18,180, ठीक है, जो यहाँ से लगभग 80 पॉइंट का मूव देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर ये हाई निकलता है तो फिर से आप 250, 300, 350 तक के टारगेट प्लान करोगे नेक्स्ट वीक में, पूरे वीक में। हो सकता है थोड़ा कंसोलिडेशन मिले क्योंकि मार्केट काफ़ी ज़्यादा मूव कर चुका है, तो कहीं ना कहीं आपको होल्ड कैंडल भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। बात करते हैं बैंक निफ्टी की, ठीक है। बैंक निफ्टी का अगर वीकली चार्ट देखोगे, मैंने लास्ट वीक में आपको कहा था कि बैंक निफ्टी में थोड़ा सा वीक लग रहा है, और आप स्ट्रक्चर भी देखोगे बैंक निफ्टी ने, तो बैंक निफ्टी ने कुछ वैसा किया नहीं है, बट एक आप देखोगे तो गैप अप ही चला है, बैंक निफ्टी गैप अप हो रहा है, फिर उसके बाद रेड कैंडल बन रहा है, तो आप यहाँ भी देखोगे तो रेड कैंडल ही देखने को मिला है, बट इसको हम आप कंसिडर ये करोगे कि 0.65% का अप ही दिखाया, मीन्स 267 पॉइंट अप ही क्लोज हुआ है लास्ट वीक के कंपेरिजन में, ठीक है। तो मीन्स बैंक निफ्टी अपर बैंड पे कंसोलिडेट कर रहा है, क्योंकि ये ज़्यादा ऑल टाइम हाई के लगभग है, 42,000 काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाला है। अगर 42,000 निकलता है तो उसके बाद हमें बड़े टारगेट देखने को मिलेंगे बैंक निफ्टी में, जैसे हम 44,000, 45,000, बट ये आने वाले टाइम में देखने को मिलेंगे। बट जहाँ तक अभी आप देख रहे हो जिस तरह का स्ट्रक्चर बैंक निफ्टी का दिख रहा है, ठीक है, तो इस तरह के कैंडल्स ही देखने को मिल रहे हैं बैंक निफ्टी में, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे आपको फिर से थोड़ा जो है साइडवेज मार्केट या वॉलिटाइल मार्केट देखने को मिल सकता है। जब तक ये कैंडल के ऊपर मार्केट नहीं निकलेगा तो हमें अच्छा खासा मोमेंटम अपसाइड देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। सेम अगर मार्केट ये कैंडल के नीचे निकलता है फिर हमें थोड़ा सा फॉल देखने को मिलेगा, जो हम प्लान कर सकते हैं लगभग 40,000 के रेंज तक मार्केट यहाँ से आ सकता है, बट क्योंकि ये दो कैंडल दो वीक का कंसोलिडेशन है, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम में देखोगे थोड़ा और अच्छा दिखेगा आपको कन्फर्मेशन, यहाँ पे आप देखोगे अगर यहाँ से नीचे निकलता है तो हमारा 40,000 एक साइकोलॉजी लेवल है, ठीक है। 500 पॉइंट आप इसके नीचे प्लान कर सकते हो, वीकली चार्ट है, इसमें थोड़ा सा आपको दिख रहा है, ठीक है। 40,500 एंड 40,000 तक भी आ सकता है मार्केट, क्योंकि यहाँ पे दो वीक का कंसोलिडेशन है, सेम रेंज में मार्केट कुछ ज़्यादा मूव किया नहीं है, ठीक है। यहाँ से नीचे निकलेगा तो आपको काफ़ी तेज़ फॉल देखने को मिल सकता है, अगर अपसाइड निकलता है तो अपसाइड हमें एक ब्रेकआउट होता हुआ दिखेगा, जो 42,000 के ऊपर मार्केट निकलेगा, उसके बाद आपको बड़े टारगेट देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। इसका अगर डेली टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, बिल्कुल एक रेंज में मार्केट चल रहा है, ठीक है। आपका ये एरिया एज अ सपोर्ट वर्क करने वाला है, और ऊपर आप देखोगे रेजिस्टेंस है, तो वही सेम रेंज में मार्केट काफ़ी टाइम से होल्ड कर रहा है, लगभग आप देखोगे 2 वीक इसने सेम ही रेंज में निकाले, तो हो सकता है आने वाले टाइम में इसमें अपसाइड या डाउन साइड जो भी साइड मूव देखने को मिलेगा। नीचे आप ये लेवल प्लान करोगे जो इसका लो रहने वाला है, लगभग 40,450 के लगभग आप ये टारगेट प्लान कर सकते हो। अगर ये लो भी निकलता है मार्केट तो मार्केट उसके बाद 40,000 तक आ सकता है, ठीक है। बाकी अगर 15 मिनट में इसका देखते हैं तो 15 मिनट में कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, ठीक है। जैसे मैंने आपको कल कहा था, अगर मार्केट ये लेवल के नीचे निकलेगा तो हम 41,100 का टारगेट प्लान करेंगे, ठीक है। यहाँ देखोगे आप तो मार्केट ने ये लेवल ब्रेक किया, उसके बाद आपको 41,000 के लगभग का ही लो लगा, ठीक है। यहाँ से आप देखोगे तो लगभग 230 या 200 पॉइंट का मूव यहाँ से आपको नीचे देखने को मिला है, ठीक है। तो अभी अपसाइड में आप देखोगे तो बैंक निफ्टी सेम रेंज में ही है, क्योंकि ऊपर नीचे काफ़ी बड़े रेंज ओपन कर रहा है, तो थोड़ा सा आपको जल्दी निकलना पड़ेगा, और साथ में आपको OTM थोड़े से अवॉइड करने पड़ेंगे। जैसे ही ब्रेकआउट मिलेगा उसके बाद मैं आपको आने वाले दिनों में एक वीडियो बना के दे दूंगा कि आप OTM किस तरह से ट्रेड कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि वो वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है तो इस वीडियो को लाइक करें, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको
किस तरह का चाहिए, आपका क्या रिक्वायरमेंट है, आपका एक्सपीरियंस के साथ, तो डेफिनेटली मैं ट्राई करूंगा कि आने वाले टाइम में आपको मैं वीडियो बना के दूँ। हो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।